बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले कालखंडों में हमने आयकर के बारे में छोटी मोटी बातें जानी थी कि आयकर क्या होता है, आयकर के लिए आयकर कौन जमा करता है, कहां से सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है। इन सब बातों में हमने चर्चा किया था। साथ में ये भी बताया था कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल होते हैं और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल होते हैं। यहाँ तक के हमने चर्चा किया था करों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है वो है आयकर। महत्वपूर्ण चीज़ है जो आयकर है, और आयकर में वेतन भोगी, वेतन भोगी कर्मचारियों का आयकर के संबंध में हमारे कोर्स में है, और इसकी गणना किस तरीके से करते हैं इन सब चीज के बारे में हमको जानकारी लेना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है आयकर में वित्तीय वर्ष। आयकर से तो आपको पता ही चल गया कि सरकार के खर्चे चलाने के लिए जो जनता या वेतनभोगी कर्मचारी जो टैक्स देते हैं उसे हम आयकर कहते हैं। अब ये जो टैक्स है कब से कब के बीच में दिया जाता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वित्तीय वर्ष। किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच जो केंद्रीय सरकार को, जो केंद्रीय सरकार को कर देना पड़ता है। हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च चलता है, और उस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सरकार को हमको कर देना पड़ता है। अब इस कर का, इस वित्तीय वर्ष के बाद आता है महत्वपूर्ण चीज आयकर में, और वो है आयकर की दरें। कर देने के बाद में ये जो आयकर की दर है इसको हमारा केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है। इस आयकर की दर कितना होगा इसको केंद्रीय सरकार बजट सत्र में निर्धारित करती है। हमारे जो लोकसभा के मेंबर चुन करके जाते हैं और बजट सत्र चलता है, तो उस बजट सत्र में हर वर्ष फरवरी माह में केंद्र सरकार ये निर्धारित करती है कि कर्मचारियों से कितना आयकर लेना है। आयकर की जब दरें केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखती है वो ये है कि हमारे कर इस तरीके से हो कि छोटे कर्मचारियों से के ऊपर में ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े, और जो बड़े हैं, जो ज्यादा वेतन भोगी वाले कर्मचारी हैं, उनको ज्यादा छूट भी ना हो, ताकि सरकार के पास पैसे आते रहे। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र होता है तो उस प्रत्येक वर्ष में उस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार कर की दरें को निर्धारित करती है। अब कर की दर निर्धारित होने के पश्चात प्रत्येक को जो सरकार है एक स्थायी खाता नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
परमानेंट अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN, पैन नंबर। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी खाता नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर देती है। जिस तरीके से बैंक में खाता नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसमें हर व्यक्ति का इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दर्ज होती है। ये तो कुछ छोटी सी बातें हुई कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, आयकर की दरें क्या है, और स्थायी खाता नंबर जो केंद्रीय सरकार हमको देती है वो क्या चीज़ होता है। इसके पश्चात हमारा जो आयकर होता है, इस आयकर को पांच भाग में बांटा गया है। इस पांच भाग में सबसे पहला भाग होता है वेतन भोगी के वेतन से आय। दूसरा नंबर में आता है संपत्ति, मकान से आय। तीसरा नंबर आता है हमारा व्यापार से आय। चौथा नंबर आता है हमारा पूंजी लाभ, और पांचवा नंबर आता है अन्य साधनों से आय। यहां पर आप देखेंगे कि जो सबसे पहला नंबर है वेतन भोगी के वेतन से आय, जो भी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसको वेतन मिलता है, तो उस वेतन 12 महीना के वेतन से जो वो कमाया, ये 12 महीना का जो वेतन है उसका वो आय कहलाया, तो उस आय पे सरकार टैक्स लेती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आयकर। दूसरा चीज है संपत्ति मकान से आय, मतलब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति एकत्रित कर दिया हो या अपना मकान को किराया से देता हो, तो किराया से देने से भी उसको एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति होगी, तो वो भी एक किस्म का आय है। दूसरा व्यापार से आय, जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसमें भी उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से आए। चौथा पूंजी लाभ, कोई चीज एकत्रित कर चुका है, उसको बेच रहा है, तो उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। और पांचवा है अन्य साधनों से आय, इसके अतिरिक्त तो वो कोई भी ऐसा काम करता है, किसी का बस चल रहा है, किसी का ट्रक चल रहा है, तो उससे भी उसको आय होता है। माने बाकी जितने भी बचे वो सभी हमारे अन्य साधनों में आ जाते हैं। उन सभी साधनों से आय, सभी से हमको कर के रूप में केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो अब उसकी गणना इसमें क्या होता है, ये पांच तरीके तो हो गए, हमारे पांच भागों में बांटा गया है।
हमको सिर्फ ये देखना है कि वेतन भोगी के वेतन से आय की गणना या आयकर की गणना हम किस तरीके से करते हैं, बाकी हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ हमको ये जान लेते हैं इससे कि किस किस से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है वेतन भोगी के वेतन से आय। अब वेतन भोगी के वेतन से आय में हम इसकी गणना किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इसमें आ जाता है वित्तीय वर्ष। चूंकि हर वर्ष में आयकर की गणना की जो घोषणा है, दरों की जो घोषणा है, वो सरकार करती है और सरकार के घोषणा के आधार पर हमारे से टैक्स लिया जाता है। तो हम जो पढ़ेंगे वो वित्तीय वर्ष 2007-2008 में आयकर की गणना, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में आयकर की गणना, और इस गणना का जो कर निर्धारण वर्ष होता है मतलब जो स्थाई खाता संख्या मिलता है और हम टैक्स पटाते हैं, तो उसका जो हिसाब किताब होता है वो अगले वर्ष होता है 2008 और 2009। जो हम टैक्स पटाते हैं उसका कर निर्धारण वर्ष रहता है उसके जस्ट बाद वाला साल। अब यहां पर जो आयकर की दरें हैं हम आपको बताए थे कि ये जो आयकर की दरें हैं इसको सरकार बजट सत्र में निर्धारित करती है। 2007-08 में अलग था, 8-9 में अलग था, 9-10 में अलग था, तो यह हमेशा बदलता रहता है। हमारी पुस्तकें जो है उतनी तेजी से परिवर्तित नहीं होती है, तो इस कारण हमारी जो पुस्तकों में दिया गया है, जिस वर्ष का कर निर्धारण दिया गया है, उस कर निर्धारण के आधार पर ही हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो आयकर की दर में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार दो किस्म से आयकर की दरों को निर्धारित करती है। तो आयकर की दरें में हम लिख देते हैं महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए आयकर का दर क्या होता है, जिसकी उम्र 65 वर्ष से कम, ऐसी महिला जिसकी उम्र 65 वर्ष से कम है उसके लिए आयकर की दरें में प्रथम 1,45,000 रुपए तक 0%। मतलब महिलाओं को यदि उसकी आय वार्षिक 1,45,000 रुपए तक है या इससे कम है तो उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। दूसरी स्थिति आती है 1,45,000 एक रुपए से 1,50,000 रुपए तक, इसमें उसको 10% टैक्स देना होता है। तीसरा स्थिति आता है 1,50,000 एक रुपए से 2,50,000 रुपए तक, यह होता है 20%। चौथा 2,50,000 एक रुपए से अधिक, तीस प्रतिशत, ये पूरे आय का है।
जो हम 10% 20% या 30% टैक्स निकालते हैं उसकी पूरी वार्षिक आय का है, ये महिलाओं के लिए टैक्स की दरें इस तरीके से होती है। ठीक इसी तरीके से पुरुषों के लिए जो महिला छोड़कर जो अन्य व्यक्ति है उसके लिए जो टैक्स की दरें रहती है वो सरकार अलग निर्धारित करती है। इसको लिख लियो, चलो यहां लिख देते हैं इसको, अन्य व्यक्ति महिलाओं को छोड़कर। अब महिलाओं को छोड़कर में जो सबसे पहला आता है 1,10,000 रुपए तक, इनको महिलाओं को 1,45,000 रुपए तक के कोई टैक्स नहीं लगता, तो पुरुषों को 1,10,000 रुपए तक के कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी स्थिति में 1,10,001 रुपए से 1,50,000 रुपए तक, यहां पर 10% हो जाता है। तीसरा 1,50,001 रुपए से 2,50,000 रुपए तक, ये हो जाता है हमारा 20%। और चौथा 2,50,001 रुपए से अधिक, ये होता है हमारा 30%। जब भी परीक्षा में प्रश्न दिया हुआ होता है, परीक्षा में जब प्रश्न दिया हुआ रहता है तो उस प्रश्न में ये आयकर की दरें किस वित्तीय वर्ष के लिए है ये लिखा होता है, तो इसको लेकर के हमको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे प्रश्न पत्र में जरूर लिखा हुआ रहता है कि हमको किस दर से आयकर लेना है। ये होने के बाद में इधर का हम मिटाते हैं, तो सबसे पहला चीज जो महत्वपूर्ण चीज रहता था वो आयकर की दरें। अब इसके बाद आता है हमारा, सबसे पहले तो हम दर निकाल लिए, दूसरा आता है हमारा अधिभार। जब कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो, जब कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो तो आयकर पर 10% अधिभार लगता है, जिसको कि हम सरटैक्स भी बोलते हैं। हमारा आय, कुल आय यदि 10,00,000 रुपए से अधिक हो तो आयकर पर 10% अधिभार लगता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा शिक्षा उपकर। आयकर का 3%। आप एक चीज देखते होंगे कि सरकार को पढ़ाई लिखाई के ऊपर में बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते हैं,
आप लोगों के लिए ड्रेस की व्यवस्था होती है, आप लोगों के लिए साइकिल की व्यवस्था होती है, रूम रहते हैं, पंखे, लाइट, बिल्डिंग, कई किस्म की सुविधाएं सरकार आप लोगों को देती है। तो उन सब सुविधाओं के लिए जब बहुत अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है, इस कारण सरकार जितने भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन सभी वेतनभोगी कर्मचारियों से उनके देय आयकर पर 3% शिक्षा उपकर लेती है। और इतना लेने के पश्चात चौथे नंबर में कुल देय आयकर ज्ञात होता है। कुल देय आयकर सभी चीज को, उसका आयकर की गणना किए तो जितना आय निकला, अधिभार आया, फिर शिक्षा उपकर आया, इन सब को जोड़ने के पश्चात जितना प्राप्त होता है वही हमारा कुल देय आयकर होता है। तो ये तो हो गया हमारे बड़े आदमियों के लिए। इस तरीके से कैलकुलेशन में क्या होता है, छोटे आदमी को भी उतना ही देना पड़ता है, बड़े आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है, जिससे क्या होता है, बड़े आदमी को तो परेशानी नहीं होती, लेकिन छोटे आदमी का यदि ज्यादा पैसा टैक्स में निकल जाएगा तो वो खाएगा क्या, और बाकी अपने बाल बच्चों के लिए कैसे व्यवस्था करेगा, बाकी व्यवस्था कैसे करेगा। इस कारण क्या होता है कि छोटे व्यक्तियों को सरकार आयकर में छूट देती है, उसका जो वार्षिक आय होता है उस वार्षिक आय में उसको छूट देती है। तो ये छूट जो है कई किस्म से होते हैं, लगभग 17 या 18 प्रकार होते हैं हमारे आयकर के छूट के। अब ये जो आयकर में छूट है, इस आयकर में भी छूट का निर्धारण सरकार करती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किस वित्तीय वर्ष में कितना छूट देना है, इसका निर्धारण हमारा सरकार करती है। जैसे 2007-08 में, हम 2007-08 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2007 और 8 इस वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपए तक आयकर में छूट थी। 2007-08 में 1,00,000 रुपए तक के आयकर में छूट थी। आज जो सत्र चल रहा है 2015-16, इस 2015-16 में हमारे आयकर में 2,00,000 रुपए की छूट है। धीरे धीरे बढ़ता गया वो, तो इसका निर्धारण सरकार करती है। तो अभी आयकर में छूट 1,00,000, 2007-08 में आयकर में छूट 1,00,000 रुपए तक के थे। अब ये आयकर में छूट किसमें देते हैं, माने हम कहां कहां पैसे जमा करेंगे तो हमको सरकार आयकर में छूट देगी, चलिए इसको हम अभी थोड़े देर से बताते हैं। तब तक के इधर जो लिखा हुआ है महिलाओं को छोड़कर, और ये जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है इसको लिखिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं कि आयकर में छूट हमको कहां कहां पैसा जमा करने पर प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है भविष्य निधि। प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारियों से सरकार प्रतिमाह एक निश्चित राशि लेती है जो उसके भविष्य में काम आएगा कहकर। तो वह जो पैसे हम सरकार के पास प्रतिमाह जमा करते हैं, वह राशि भी 1,00,000 रुपए तक के उसमें यदि हम जमा करें
तो हमको छूट मिलती है। ध्यान इसमें ये रखना है कि हम जितने भी भागों में पैसा जमा करें सभी का जो टोटल है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए या जो भी कम हो उसमें ही हमको छूट मिलता है। ऐसा नहीं कि सब में हम 1-1 लाख रुपए जमा कर दिए, 15 थोक में हम जमा किए तो 15 लाख रुपए का छूट मिल जाएगा, इस तरीके का नहीं है। दूसरा चीज है, लोग भविष्य निधि, लोग भविष्य निधि जिसको कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF भी कहते हैं, यह भी एक किस्म का फंड होता है जिसका बैंक में, सरकारी बैंकों में जिसका खाता खुलाया जाता है। और इस फंड की खासियत ये रहती है कि हम इस फंड में जो पैसा जमा करते हैं उसको लगभग 6 साल तक के नहीं निकाल सकते, और 6 साल के बाद में उससे हम आधा पैसा ही निकाल सकते हैं, और यह पूरे जो फंड है 15 साल के लिए होता है। इसमें भी हम प्रतिवर्ष जितने पैसे जमा करते हैं उसमें भी 1 लाख रुपए तक के हमको छूट मिलता है। तीसरा है केंद्रीय सरकार की पेंशन निधि। केंद्रीय सरकार की पेंशन निधि का मतलब यह है कि कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी अधिकतम 62 वर्ष तक के या 58 वर्ष तक के कार्य करता है। किसी की भी कार्य करने की एक निश्चित क्षमता होती है, उसके बाद बुजुर्ग हो जाएगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। तो जो केंद्रीय सरकार का पेंशन फंड लिए हुए रहते हैं उसमें भी पैसा जमा करने पर हमको छूट प्राप्त होता है। चौथा नंबर आता है हमारा समूह बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस में जब हम पैसा जमा करते हैं, अपना बीमा करवाते हैं, जहां हम कार्य कर रहे हैं पूरे ग्रुप का बीमा करवाते हैं, तो उस समूह बीमा में भी हमको छूट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जीवन बीमा, हम अपना बीमा करवाते हैं तो उस बीमा में भी उस बीमा के प्रीमियम में भी, वार्षिक जो हम बीमा का प्रीमियम देते हैं उस बीमा के प्रीमियम में भी हमको छूट प्राप्त होता है। व्यक्तिगत सालाना जितना हम पटाते हैं, तो 5 तो ये हो गया हमारे। छठवां आता है हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र, यह भी केंद्र सरकार की योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र हम जितना खरीदते हैं उस पे भी हमको छूट मिलता है। सातवां आता है 10 या 15 वर्षीय वर्ष के आवर्ती जमा, 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए यदि हम आवर्ती जमा खाता खुलवाते हैं तो उसमें भी प्रतिवर्ष जितनी राशि जमा होती है उसमें भी हमको छूट मिलता है। उसके बाद आता है 2 बच्चों के शिक्षण
शुल्क। यदि हमारे बच्चे कुछ ऐसे स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जहां शिक्षण शुल्क अधिक मात्रा में लगता है, तो दो बच्चों के शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस जो हम बड़े बड़े कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो या कोई MBA वगैरह कर रहा है, उस जगह में जो हम शिक्षण शुल्क देते हैं, उस शिक्षण शुल्क में भी हमको छूट 1,00,000 रुपए तक के छूट मिलता है। इसके बाद आता है हमारा 9वां नंबर में मुख्य मंत्री सहायता कोष। कई बार आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आ जाता है तो गांवों में नुकसान होता है, नदियों का पानी पूरे गांव में घुस जाता है, पूरे घर वगैरह को गिरा देता है, तो उस परिस्थिति में सरकार उन गांव वालों को सहायता करती है। तो सरकार जब गांव वालों को सहायता करती है तो सरकार के पास वो अपना एक खाता खुलवा के रखी होती है मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से। कोई भी व्यक्ति उस सहायता कोष में राशि जमा कर सकता है और जितनी राशि जमा करता है उस राशि का 50% तक के मुख्यमंत्री सहायता कोष में इनकम टैक्स से उसको छूट मिलता है उसकी 50% राशि का। 10वां प्रधानमंत्री राहत कोष। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सहायता कोष होता है ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री राहत कोष होता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या होता है, बाढ़ हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, ऐसे कोई भी घटनाएं होती है तो उन घटनाओं में भी पैसे की आवश्यकता होती है। और हम यदि उस प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करते हैं तो उसमें हमको 100% तक का छूट प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से अगला आता है हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पैसा जमा करता है, जो देश की रक्षा के लिए काम आता है, वहाँ पर जो सैनिकों रहते हैं उनके लिए काम आता है, उसमें यदि कोई पैसा जमा करता है तो भी उसको आयकर में छूट मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद आयुर्विज्ञान अनुसंधान में 13वां नंबर हमारा आता है धर्मार्थ ट्रस्ट में। आयुर्विज्ञान अनुसंधान में मतलब दवाई वगैरह इत्यादि की खोज के लिए कोई सहायता प्रदान करना चाहे तो उसमें भी हमको छूट मिलता है। धर्मार्थ ट्रस्ट में कोई ऐसे जगह होते हैं, कोई ट्रस्ट बने हुए होते हैं, समिति बने हुए रहते हैं जो लोगों के भलाई का काम करते हैं। जैसे किसी का घर में आग लग गया तो उसको घर की व्यवस्था करना, उसको कपड़ा देना, बाढ़ में जैसे बह जाते हैं तो उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए कपड़ा की व्यवस्था करना। अभी आपने देखा होगा कि इसी वर्ष अप्रैल माह में नेपाल में भूकंप आया था, तो उस नेपाल के जो भूकंप आया था तो वहाँ कितने ही घर टूट गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कईयों के माता पिता नहीं रहे। तो धर्मार्थ ट्रस्ट में जब हम कोई पैसा दान देते हैं तो उस पैसे से उन व्यक्तियों के लिए जिनका कोई नहीं है उनके लिए रहने, खाने, पढ़ने, दवाई इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। चूँकि ये धर्म का काम होता है इस कारण सरकार इसमें पैसा देने पर भी टैक्स में, आयकर में छूट देती है। निःशक्तता पर
75,000 रुपए सॉरी निःसक्तता पर 50,000 रुपए। निःसक्तता पर का मतलब यह होता है कि किसी के घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो चल फिर नहीं पा रहा है, माने बिल्कुल उठ नहीं सक रहा है, तो उसके लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता हो रही है, व्हीलचेयर में है, उसके मेंटली दिमाग से भी कमजोर है, तो उसको काफी दवाई की आवश्यकता हो रही है। तो जिसके घर में होगा इस तरीके का व्यक्ति, उसका दवाई के लिए तो काफी खर्च होगा। तो सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए भी दवाई वगैरह इत्यादि में खर्च करने के लिए भी छूट देती है। और यदि कोई गंभीर रूप से है इसी तरीके से, गंभीर निःसक्तता पर 75,000 रुपए तक का भी सरकार आयकर पर छूट देती है। तो यहां पर आपने देखा कि लगभग यह 15 प्रकार है। इस एक और आ जाता है शिक्षण संस्था, अस्पताल, इत्यादि। शिक्षण संस्था अस्पताल में भी यदि कोई पैसे दान देता है तो उसमें भी सरकार हमको इनकम टैक्स में छूट देती है। लेकिन एक चीज, इन सभी छूटों का जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो छूट की कुल राशि है वो 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, या जितना पैसा हम उसमें दान दिए हैं या जितना हम जमा किए हैं, दोनों में से जो भी कम हो उसी राशि पर हमको छूट प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने आयकर की दरें क्या होती है और आयकर की दरें के बाद में उस दर पर और क्या क्या टैक्स लगता है, फिर हमको छूट क्या मिलता है, इस इतने बातों पे हमने अभी तक के चर्चा किया। इसके बाद आता है हमारा कि पूरी चर्चा होने के उपरांत हम इन आयकर की गणना किस तरीके से करते हैं, निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए ना, अभी तक के तो कहानी चल रहा था। अब गणना किस तरीके से करते हैं, गणना जब होगा, गणना करने के तरीके हमको पता चलेंगे, उसके बाद ही हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम इसके बाद में कि आयकर का परिकलन, आयकर की गणना हम किस तरीके से करते हैं। आयकर का परिकलन गणना करना, सबसे पहला चीज है इसमें जो हमको ज्ञात करना रहता है, सबसे पहला कि वित्तीय वर्ष की कुल आय की गणना, वित्तीय वर्ष के कुल आय की गणना का मतलब यह है कि जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उन वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रतिमाह तनख्वाह मिलता है, तो यदि उसकी प्रतिमाह तनख्वाह दी गई है तो 12 माह में या एक वर्ष में उसका कुल वेतन कितना होगा, जो कुल वेतन है वही उसका कुल आय होगा। तो सबसे पहले हमको जो निकालना रहता है कि वित्तीय वर्ष की कुल आय का गणना, प्रतिमाह का एक माह के वेतन का 12 से गुणा करके प्रतिवर्ष उसकी आय कितनी होती है, इसको हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर है सभी स्वीकार्य कटौती की गणना,
सभी स्वीकार्य कटौती की गणना से आशा यह है कि अभी हमने आपको 16 प्रकार बताए थे कि किस में पैसा जमा करने पर सरकार टैक्स में छूट देती है। तो जितने किस्म में वो चाहे वो सामान्य भविष्य निधि में जमा कराया हो, चाहे वो लोक भविष्य निधि में जमा कराया हो, चाहे जीवन बीमा में जमा कराया हो, चाहे वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा हो, तो सभी में किस में प्रतिवर्ष वह कितना कितना पैसा लगाया, इन सब की भी हमको गणना करनी होती है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में कुल आय से स्वीकार्य कटौती को घटाकर, कुल आय से स्वीकार्य कटौती को घटाकर कर योग्य आय की गणना। सबसे पहले हम उसका कुल आय निकालें, कुल आय निकालने के बाद में कितनी कटौती मिल रही है उसको निकालें, और कटौती उसके कुल आय में से उसकी कटौती को घटा दिए तो घटाने के पश्चात जितना बचा उस पर ही आयकर लगेगा। तो घटाने के पश्चात कितना बचा, कर योग्य आय उसका कितना है, उसकी हम गणना करते हैं। चौथे नंबर में दी गई दरों के अनुसार आयकर की गणना, दी गई दरों के अनुसार हम आयकर की गणना करते हैं। और हमने आपको बताया ही है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह आयकर की दरें क्या क्या होती है ये सरकार निर्धारित करती है। पांचवें नंबर पर आयकर पर अधिभार व शिक्षा उपकर की गणना। आयकर गणना करने के पश्चात में उस पर कितना अधिभार लग रहा है, मतलब यदि 10 लाख से ऊपर है तो अधिभार लगेगा, और शिक्षा उपकर कितना लग रहा है, ये आयकर पर लगता है, इसकी हम गणना करते हैं। और अंत में जो आयकर निकलता है, फिर धन, अधिभार, और आयकर और अधिभार के बाद इसमें जो हमको शिक्षा उपकर लगता है, शिक्षा उपकर का योग ही कुल दे आयकर होता है। लास्ट में आयकर के अधिभार और शिक्षा उपकर की गणना करने के पश्चात जो हमने सबसे पहले आयकर निकाला, उसका अधिभार निकाला, उन दोनों पे शिक्षा उपकर निकला, इन सभी को जोड़ देते हैं तो वो निकल जाता हमारा कुल देय आयकर। यदि कोई व्यक्ति पहले कुछ माह आयकर बटा चुका है तो उसको घटा देते हैं तो अंतिम माह में देय आयकर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि छोटे छोटे से स्टेप, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेपों में वित्तीय वर्ष से कुल आय की गणना करना, सभी स्वीकार्य कटौतियों की गणना करना, कुल आय से स्वीकार्य कटौती को घटाना, कर योग्य आय की गणना करना, फिर दी गई दरों के अनुसार आयकर की गणना करना, आयकर पर अधिभार व शिक्षा उपकर की गणना करना, और अंत में आयकर और अधिभार दोनों को मिलाने के पश्चात उस पे जो शिक्षा उपकर लगता है उसका योग दोनों को मिला करके कुल देय आयकर हमारा प्राप्त होता है। इससे संबंधित प्रश्नों को हम कल हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।